दोस्तों आज का T10 का फास्ट मैच हमारे लिए जैकपॉट कैसे बनेगा, सबसे पहले वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। उसके बाद जब मैं अपना कॉम्बिनेशन क्रिएट करूँगा तब आप लोगों को और अच्छे से डिटेल में समझ में आ जाएगा कि क्या सच में ये मैच हमारे लिए जैकपॉट बन सकते हैं। तो देखिए, इस मैच में ऐसा कुछ प्लेयर्स हैं जिनका सिलेक्शन 80-90% करके है, बट उनका परफॉर्मेंस एकदम बेकार है, एकदम बेकार है। और ऐसा कुछ प्लेयर्स है जिनका सिलेक्शन 2-5% भी नहीं है, आप लोग शॉक खा जाओगे, बट उनका परफॉर्मेंस गजब का है यार। ऐसा प्लेयर्स को हम कैप्टन और वाइस कैप्टन भी बना सकते हैं। और इस मैच में मेरा कैप्टन का सिलेक्शन सिर्फ 2% है, वाइस कैप्टन का सिलेक्शन 5% है। दिखाने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो, बहुत पीछे हो। बट कोई बात नहीं, इस वीडियो को देखने के बाद चला जाना, इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आप लोगों को लिंक मिलेगा, लिंक पर क्लिक करके बड़ी आसानी से आप सब ज्वाइन कर सकती हो। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ने हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लिया। तो दोस्तों आप मैं अपना टीम एडिट करके दिखा देता हूँ और इसी से आप लोगों को पता चलेगा कि कौन सा ऐसा प्लेयर्स है जिनका सिलेक्शन एकदम कम है, बट ऐसा प्लेयर्स को हम कैप्टन और वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हैं। और कौन सा ऐसा प्लेयर्स है जिनका सिलेक्शन बहुत हाई है बट ऐसा प्लेयर्स का रिकॉर्ड कुछ भी नहीं है, वो देखते हुए हम टीम से डायरेक्ट बाहर कर सकते हैं। तो विकेट कीपर सेशन पे आप लोगों को मिल जाएगा 84 सिलेक्शन एक प्लेयर, इनका रिकॉर्ड ऐसा कुछ नहीं है जिसको देखते हुए हम इसको टीम में रखें, तो यहीं पर इसको हम इग्नोर करते हैं। तो दोस्तों इस टीम में मैं लेके जा रहा हूँ एस अली को, जिनका सिलेक्शन 15% है। ये एक बिलो एवरेज ठीक ठाक प्लेयर है, उतना अच्छा मैं नहीं बोलूँगा। बैट्समैन की अगर हम बात करें, एस अब्दुल और ई बाबर, दोनों प्लेयर्स का सिलेक्शन देख लीजिए ऑलमोस्ट 85% करके है, बट दोनों प्लेयर्स का रिकॉर्ड एकदम ही खराब है। आप लोग जाके ऑफिशियल वेबसाइट चेक कर लो, दोनों प्लेयर्स का रिकॉर्ड ऐसा कुछ नहीं है जिसको देखते हुए हम इसको टीम पे पिक करें, ठीक है। नेक्स्ट प्लेयर आप लोगों को हाई सिलेक्शन मिल जाएगा एफ मोहम्मद, इनका परफॉर्मेंस भी अच्छा है और इनका सिलेक्शन भी ज्यादा है, तो हम इसको टीम में रखेंगे। आप दोस्तों तीन प्लेयर ऐसा है, ठीक है, पहला 7% सिलेक्शन, ए अली का 1% सिलेक्शन, एस बाट का 11% सिलेक्शन, ये तीनों प्लेयर्स अच्छा है। मतलब ऊपर का जो बाबर और आपका अब्दुल हो गया ना, दोनों प्लेयर में से अगर कंपेयर करें तो ये जो नीचे वाला तीन प्लेयर है, तीन में से सबसे मेरे को बेस्ट लगा एस बाट को, उसके बाद एस अली को, उसके बाद इस प्लेयर को। तो तीनों प्लेयर्स को हम पिक करके जाएंगे और साथ ही साथ हम एफ मोहम्मद को भी ऐड करेंगे। अब हम ऑलराउंडर की अगर हम देखें तो ऑलराउंडर पे आप लोगों को मिल जाएगा आर अली, इनका सिलेक्शन 92% है, बट इनका रिकॉर्ड भी उतना खास नहीं है। आई जायर की अगर हम बात करें, इनका भी रिकॉर्ड ऐसा कुछ नहीं है, इस प्लेयर का 73 है, इसका भी रिकॉर्ड ऐसा कुछ नहीं है। जेड हसन का रिकॉर्ड ठीक ठाक है, 4-5 मैचेस खेल के 2-3 विकेट लिया था, ऐसा ही कुछ रिकॉर्ड उतना खास नहीं है। तो ये जो ऊपर का जो हाई सिलेक्शन चार प्लेयर है, लोग क्या करते हैं ऊपर मतलब है तो ले लिया, ऊपर में है तो ले लिया, ऐसा करके टॉप 4 को पिक कर लिया, ठीक है, और चारों प्लेयर्स का रिकॉर्ड उतना खास है नहीं। तो हम पिक करेंगे 8% सिलेक्शन प्लेयर को, बी नियाज, ठीक है, इनका परफॉर्मेंस गजब का है, ये ऑलराउंडर है, रन के साथ साथ विकेट भी निकालते हैं। बॉलर्स की अगर हम बात करें, इस प्लेयर का सिलेक्शन 91 है, बट ये भी एक अच्छा प्लेयर, तो इस प्लेयर को हम पिक करेंगे। बाकी दोस्तों 90% सिलेक्शन प्लेयर्स का रिकॉर्ड ऐसा कुछ नहीं है, 4-5 मैच खेला था, सिर्फ एक ही विकेट था, तो इसको हम यहीं पर इग्नोर करते हैं। नीचे जाके और आप लोगों को मिल जाएगा एफ फहद, इनका सिलेक्शन देख लीजिए कितना है, 5% भी नहीं है, बट ये 6 मैच खेल के 9 विकेट लेके रखा है। एस कालिम की अगर हम बात करें, इनका भी सिलेक्शन एकदम कम है, बट ये भी दोस्तों बेस्ट प्लेयर है, हर एक मैच में 1-2 विकेट निकल कर आप लोग दे सकते हैं। एस राजा की बात करें तो 2% भी सिलेक्शन नहीं है, इसका भी परफॉर्मेंस गजब का है। तो हमारा फुल टीम की अगर हम कॉम्बिनेशन देखें तो इस प्रकार है, बी नियाज करके जो प्लेयर है ऑलराउंडर सेशन पर, वो हमारा कैप्टन रहेगा और जेड फहद हमारा वाइस कैप्टन रहेगा। आप लोग सिलेक्शन देख लीजिए कितना लो सिलेक्शन प्लेयर है, 15% एक लो सिलेक्शन हो गया, बैट्समैन में 7%, 1%, 11%, 4 हो गया। उसके बाद बी नियाज हमारा जो कैप्टन है, इनका भी सिलेक्शन देख लीजिए 8% है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों बॉलर में 1-2 और नीचे जाके और 1-3, मतलब जितना सारा इस टीम पे हमारा प्लेयर्स है उनमें से लगभग 8-9 प्लेयर ऐसा है जिनका सिलेक्शन 10% से नीचे है। तो आप दोस्तों ये टीम अगर परफॉर्म कर गई तो आप लोग GL ऐसे ही विन कर जाओगे, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, हमारा टेलीग्राम चैनल पर एक्टिव रहना है, लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है। डेडलाइन समय आप लोगों को अपडेट किया जाएगा कि कौन सा खिलाड़ी खेल रहे हैं, नया खिलाड़ी अगर खेलेगा तो उनका परफॉर्मेंस मैं अपलोड कर दूंगा, बैटिंग ऑर्डर क्या हो सकते हैं, कौन सा बॉलर कितना ओवर डाल सकते हैं, सब कुछ मैं अपलोड कर दूंगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। तो लिंक डिस्क्रिप्शन पर है, जल्दी से जाकर ज्वाइन कर लीजिए।